बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिशात विलेज ब्लॉग। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। तो ईद मुबारक। सबसे पहले भाई आप सबको ईद की ढेर सारी बहुत 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 सारी मुबारक हो। तो मैं कैसा लग रहा हूँ बताइएगा, अभी तैयार वगैरह हो गया हूँ, अभी तैयार हो रहे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का हमारे विलेज में हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मस्जिद जो है हम हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बननी है। ये नीचे जो बटन आ रहा है भाई साहब रेड कलर का, तो इसको सब्सक्राइब मारो, इसको दबा के देखो, इसका कलर चेंज होगा, साथ में बेल आइकन आएगा, तो ऑल पे सेलेक्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एक तो बुला दूर रहेगा वतने से, रोज याद के कर रखे ने। और सुना क्या हाल है? हां क्या हूं, कपड़े नए पहन रहे, जूता मैंने पहना है, जाके तैयार होता हूँ फिर आता हूँ आपके सामने। इंतजार की घड़ी खत्म। ये भाई मेरा छोटा भाई है। जनाब एक ये बच्चा तैयार हो चुका है जबरदस्त, सलूट मार के खा है कबाब। हाय थे, गुड हो गया जनाब, तैयार हो गया है। ये है जनाब मेरे चाचू का बेटा, ये फुल तैयार हो चुका है। और ये है मेरा छोटा भाई और ये है मेरा चाचू। तो इज गुड, हमारे घर के करीब से खाला जाता है, तो हम इस खाले में से जा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि सड़क बहुत कच्ची है और खाका मट्टी है, तो हम इस खाले में से जा रहे हैं। वहाँ सामने मस्जिद है, शायद आपको नजर ना आ रही हो, तो जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं, मेरे भाई और मेरे कजन हम जा रहे हैं, तो अबू और चाचू जो लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो वो मोटर बाइक पे आएंगे, तो हम पैदल जा रहे हैं। लाइक 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 भाईजान, वो सामने मस्जिद है, शायद आपको नजर आ रही हो, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो वो मस्जिद है, तो हमारा जो घर है वो उस साइड पे है, तो काफी घूम के आना पड़ता है। हम जा रहे हैं, ये 1, 2, 3 और ये भाई 4 और आपका भाई 5। खाले से आ रहे थे, खाले से अभी सड़क पे पहुंच गए हैं, तो सड़क से आगे सारा, क्योंकि जो मस्जिद है वो वहाँ जगह सारा रेतीला है, रेत है, तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब साहब मोटर बाइक पे जा रहे हैं, हम सिर्फ पैदल क्यों जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ भाई साहब सारा रहता ही रहता है, तो ये जो है कच्ची पक्की सड़क है और वहाँ सामने मस्जिद है। यहाँ का सीन भाई साहब मुलाहिज़ा फरमाएं, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। साहब 8 बजे ईद की नमाज होनी है, अभी बज रहे हैं 7:40। भाई साहब कच्चा है और यहाँ से जो है सोलिंग बनाई हुई है मस्जिद तक, मस्जिद के दरवाजे तक सोलिंग बनी हुई है। आप भी कहोगे भाई साहब कितनी यपलियां पपलियां मारता है भाई साहब। गाँव है वहाँ की, मस्जिद ये है, तो माशाल्लाह। भाई साहब ये सामने मेरी आई तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, 1, 2, 3, 4, 5। भाई साहब मेहरान कार है, 5 सलंसर है। ये बच्चे ईद पढ़ के सारा शोर शराबा कर रहे हैं यहाँ। सब ईद मुबारक, एक दूसरे को ईद मुबारक करते हुए सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और इस जगह दुकान है, हट्टी है, शॉप है, तो हम इस जगह जा रहे हैं, अभी जाके देखते हैं क्या सीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुटने ना प्रोग्राम है, सारी जागता ना बड़ा। ए भाई जान दही बल्ले, ये तो सारे खिलौने लगे पैन, ये छोटा दुकानदार है, ये हेल्पर है, तो ये सारे बच्चे खरीदार है। कितने पैसे? 500 रुपए दी। वाह भाई वाह, कोई छोटी दो यार, ए जी एल आई कैडी है, ए वाह वाह यार इतनी महंगी, हा 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 ए सही है, 5 लाख बार खिलौने लगाए हुए हैं और यहाँ खाने पीने का सामान।
हमारे गांव की एक छोटी सी दुकान है, खिलौने वगैरह खरीद कर रहे हैं और अंदर हम ये खाने पीने का आइटम और बच्चे भी खाने पीने का सामान ले रहे हैं यहाँ। आपको कैसी लगी हमारे गांव की शॉप? ये भाई साहब हमने बोतलें लगाई हुई हैं ठंडे पानी में, माशाल्लाह ये इस फ्रिज में लगाए हुए हैं जूस भर के और यहाँ बोतलों की जगह नहीं है। शॉप से अभी मैं बाहर निकल आया हूँ और मैं जा रहा हूँ इस टाइम घर, क्योंकि मेरे साथ के सभी चले गए, एक मैं रह गया हूँ यहाँ और भूख भी लग रही है, सुबह की खाई भी कोई चीज़ नहीं है सिवाय एक चाय के कप के। तो अभी घर जाते हैं, खाते पीते हैं भाई साहब, तो फिर सोचते हैं कहाँ जाना है कहीं। अभी भाई साहब मैं घर पहुंचा हूं, बैठा हूं अभी सुकून से, क्योंकि गर्मी बार बहुत, पंखा चला के सुकून से कमरे में बैठा हूं। प्लान कर रहे हैं मैं और ये मेरा छोटा भाई है, तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि भाई कहीं यार जाया जाए, क्योंकि बाहर किसी जगह जाके आपको भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सीन रहेगा। तो इसीलिए कहता हूँ भाई साहब सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तभी, और बेल के नोटिफिकेशन को क्लिक करो, ऑल पे सेलेक्ट करो, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। तो भाई साहब जो प्लान हम कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह बहुत बेस्ट होगा और ज़बरदस्त होगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा हमारी वो छोटी सी ट्रिप में, तो एंजॉय कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा प्लान कर ले, फिर आपको सरप्राइज देंगे भाई हम किस जगह जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो अगर हमने ऐसी बनाई तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर किया करो यार। ये भाई साहब आप देख लें, ईद का मौका है और बच्चे यहाँ फ्री फायर खेल रहे हैं। बच्चा साहब क्या हाल है वीवर? भाई साहब जब हम आए तो कहते हैं नेट ही नहीं है, भाई साहब गेम ही नहीं चल रही, अब गेम ही नहीं चलेगी, जब हमने खेलने की हमारी बारी आई तो गेम ही नहीं चल रही। और भाई साहब मेरे को खिलाओ यार, अजन सिग्नल कोई नहीं, एक ये मोबाइल चला रहे हैं और एक ये चला रहे हैं क्या? ओ भाई कहते हैं डेटा बंद करके ऑन कर रहे हैं फिर भी नहीं चल रही, भाई साहब अभी क्या करें यार। सोबत बन के आ चुकी है भाई साहब, हम खाएंगे सोबत, खाने का अपना ही मज़ा है भाई साहब, तो हम सोबत खाते हैं, तो आपने खानी है तो आ जाएं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, तो ये खा के फिर मिलता हूँ मैं आपसे।